हम पिछले कई दिनों से स्टैटिस्टिक्स 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 पढ़ रहे हैं अब मैंने इतनी दफा क्यों बोला है क्योंकि इतना ही ये इंपॉर्टेंट है अब आज आपको मैं दोबारा से स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन बताऊंगा एंड देन यू विल सी कि यार जो हमने पढ़ा है ना अब कुछ सेंस बना रहा है और स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन के साथ ही हम देखेंगे टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स कितनी किस्म की स्टैटिस्टिक्स होती है और कौन सी इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं स्टैटिस्टिक्स की टू लर्न एंड टू ग्रो द फील्ड ऑफ डेटा साइंस लेट्स बिगिन। स्टेटिस्टिक्स की डेफिनेशन लिटरल वेज में हम पहले लिखते हैं फिर इसको समझते हैं कि ये है क्या Statistics होती क्या है? ठीक है? ठीक इज़ द साइंस ऑफ कलेक्टिंग इसको बेसिकली बोला जाता है मैं जूम इन कर लेता हूं थोड़ा सा स्टैटिस्टिक्स मैं जब डेफिनेशन लिखता हूं कुछ इस तरीके से लिखता हूं साइंस ऑफ नंबर वन कलेक्टिंग। नंबर टू आपके पास आएगा एनालाइजिंग नंबर थ्री फिर आएगा इंटरप्रेटिंग। नंबर फोर प्रेजेंटिंग नंबर फाइव एंड ऑर्गेनाइजिंग ठीक है द डेटा साइंस ऑफ डूइंग दीज थिंग्स ऑन डेटा इसको बोलते हैं स्टेटिस्टिक्स अब आपने देखा है कि जब हम स्टेटिस्टिक्स को गौर से अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं तो ये हमें दो चीजों में बड़ी हेल्प आउट करती है कौन सी दो चीजें हैं मैं भी आपको वो दिखाता हूं अगर हम इसको इस तरीके से देखें तो पहली मेन चीज जो है दैट इज डिसीजन मेकिंग एंड नंबर टू जिसको मैं बी लिखता हूं दैट इज आपकी क्लैरिटी एंड प्रसीजन ये दो चीजों में आपको हेल्प आउट करती है ठीक है जो डिसीजन आपने लेना होता है उसके अंदर क्लैरिटी आपको देती है और डिसीजन मेकर में आपको हेल्प करती है सो so, अगर हम एक बात करें कि हम डेटा से जब डिसीजन मेकिंग करते हैं तो इस टर्म को हम क्या बोलते हैं डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग इसका मतलब ये है कि अगर किसी एक कंट्री के पास डेटा है इसका मतलब ये है कि वो अपनी डिसीजन मेकिंग की पावर बहुत ही स्ट्रोंग रखते हैं और उनकी डिसीजन मेकिंग प्रिसाइज भी है यानी कि वो कोई चीज़ इम्प्लीमेंट करते हैं तो वो एक्यूरेट होती है एक्यूरेटली इम्प्लीमेंट होती है क्यों क्योंकि वो डेटा की बेस पे डिसीजन ले रहे हैं ड्रीवन डिसीजन मेकिंग और यही सारी की सारी डेफिनेशन है डेटा 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 साइंस साइंस की सो डिसीजन मेकिंग को ही हम बोलते हैं इसका मतलब यही हुआ कि मॉडर्न स्टैटिस्टिक्स यानी कि स्टैटिस्टिक्स की एडवांस फॉर्म को ही डेटा साइंस बोला जाता है क्यों कंप्यूटर की जगह हमारे पास जो चीज आ गई है कंप्यूटर कंप्यूटर हमारे पास आ गया है कैलकुलेटर की जगह सॉरी फॉर दैट कैलकुलेटर की जगह प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आ गई है हमारे पास एक्सल की जगह या स्प्रेडशीट्स की जगह और आपके पास डिफरेंट किस्म की एम लाइब्रेरीज आ गई हैं फॉर नॉर्मल स्टैटिस्टिकल एल्गोरिथम की जगह सो so, हर एक चीज आपकी एडवांस हो गई है इसका मतलब यह हुआ कि स्टेटस्टिक्स जो है अगर आपको यह बेहतरीन तरीके से आ जाती है न एक्चुअली मास्टर डेटा साइंस और अगर आप डेटा साइंस को मास्टर करना चाहते हैं तो आपको स्टेटिस्टिक्स को सीखना बहुत जरूरी है यहां तक आपको समझ आ गया जनाब क्यों स्टेटिस्टिक्स जरूरी है और स्टैटिस्टिक्स होती क्या है अब मैं आपको बताता हूं स्टेटिस्टिक्स की टाइप्स देर आर एक्चुअली टू टाइप्स ऑफ स्टेटिस्टिक्स अगर मैं यहां पर लिखू नंबर वन इज डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स मैं बल्कि कलर चेंज कर लेता हूं ताकि आपको इजीली नजर आ जाए डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स एंड नंबर टू इज इन्फ्लुएंशियल जो दो मेजर टाइप्स हैं डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स एंड इन्फ्रुएंशियल स्टैटिस्टिक्स ठीक है अब डिस्क्रिप्टिव स्टेटस्टिक्स क्या होती है इन्फ्रेंशियल क्या होती है इसको हम गौर से देखेंगे आमें से काफ़ी लोग मेरे से ऑलरेडी स्टेटस्टिक्स के कोर्सेज पढ़ चुके हैं दे नो कि डिस्क्रिप्टिव और इन्फ्रुएंशियल uh, जो है ये दो डिफरेंट किस्में हैं बट ऑन दी अदर साइड इन दोनों दो डिफरेंट किस्मों का आपस में लिंक बहुत स्ट्रॉन्ग है अब हम देखेंगे डिस्क्रिप्टिव और uh, जो दूसरी है ब्रॉडली इन्फ्रेंशल स्टेटस्टिक्स इनको क्यों हम देखते हैं फॉर एग्जाम्पल ये जो दो टाइप्स हैं इसके अलावा भी स्टेटिस्टिक्स की टाइप्स हैं जो हम आगे देखेंगे बट दीज आर टू ब्रॉडर या मेन टाइप्स पहले हम बात करते हैं डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स की सो डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स क्या होती है और किस तरीके से हम इसको स्टडी करते हैं वो देखते हैं ये क्या करती है इसका मेन रोल ये है कि ये आपके डेटा को समराइज कर देगी नंबर वन नंबर टू आपका होगा डिस्क्राइब कर देगी नंबर थ्री आपका होगा कि आप इसके अंदर डिफरेंट किस्म की सेंट्रल टेंडेंसी को देख सकते हैं सेंट्रल टेंडेंसी क्या है वो भी मैं आपको बताता हूं मेन मीडियन या मॉड ठीक है इसी के अंदर आपके पास डिफरेंट किस्म के जो वेरिएंस वगैरह हैं वो आप देख सकते हैं वेरिएबिलिटी इन डेटा ठीक है और इसके अलावा आप बहुत ज्यादा ऐसा काम कर सकते हैं जितना भी डेटा आपके पास है ना डेटा की इन साइट्स निकाल के आपको पकड़ा देती है इन साइट्स ऑफ द डेटा और आपको अगर मैं डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स को तीन लफ्जों में लिख के बताऊं तो डेटा को एक्सप्लोर जिस स्टेटिस्टिक्स में किया जाता है वो है डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स एक्सप्लोरिंग द डेटा और यहां पे एक्सप्लोरिंग द डेटा के अंदर एक टर्म भी यूज होती है जिसको हम बोलते हैं ए ये टर्म हमने बड़ी देर पहले भी स्टार्ट की थी और कोर्स के अंदर हमने डी एनालिसिस भी किया था वहां पे हमने यूज की थी और इसको हम बोलते हैं रेटरी डेटा एनालिसिस, ठीक है एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस। आप डेटा को एक्सप्लोर इसके अंदर करते हैं। और इसी टेक्निक के अंदर जो आपके पास डेटा है वो कहाँ से आया कैसे आया ये मैं बात नहीं कर रहा मैं ये बात कर रहा हूं जो भी डेटा आपके पास है उस पूरे डेटा को सारे के सारे डब्ल्यू एच क्वेश्चन उसके साथ आप डील कर दें डब्ल्यू मतलब ये डेटा को हाउ क्या है वेन क्या है हु क्या है और बाकी भी क्वेश्चन जब आप डेटा के ये वाले क्वेश्चन को डील करते हैं ना तब जो आपके पास फाइनल डेटा आता है उसके साथ कुछ इंफॉर्मेशन होती है कि ये टाइटेनिक का डेटा है कहां से लिया गया किसने कलेक्ट किया क्यों कलेक्ट किया कैसे कलेक्ट किया मेथड क्या था उन सारे डब्ल्यू एच क्वेश्चन को हम बोलते हैं मेटा डेटा ठीक है लेकिन जब आप डब्ल्यू एच क्वेश्चन ऑन डेटा लगाते हैं यानी कि डेटा के वेरिएबल्स के ऊपर ये सारे की सारी चीजों को हम बोलते हैं EDA. मिसाल के तौर पे, ये मेरे पास एक डेटा है मैं आपसे पूछता हूं जी अपना वेट इन के जी एंड हाइट इन सेंटीमीटर बताएं तो जैसे आप अपनी वेट इन के जी एंड हाइट इन सेंटीमीटर बताएंगे आई डाउन हेयर से फॉर एग्जाम्पल आप बताते हैं जी साठ सत्तर अस्सी पैसठ और यहां पे हाइट आती है एक सौ चालीस एक सौ सत्तर एक सौ पचास एक सौ अस्सी एक सौ अठहत्तर मैंने एक डेटा कैलकुलेट कर लिया इसमें एक है जो टर्म वो है वेट दूसरा मेरे पास है जी हाइट ठीक है अब जो इसका मेटा डेटा है ना वो ये कहता है कि ये जो डेटा कलेक्ट हुआ है ये कोडेनिक्स के ऊपर एक स्टैट की क्लास चल रही थी डॉक्टर अमार साहब पढ़ा रहे हैं मैं डॉक्टर तो लगाता हूँ जानबूझ के ताकि पता चले कि पी की है सारी बात है इतनी मुश्किलों से होती है और पढ़ाते वक्त उन्होंने क्लास जो 24 नवंबर की है उसके अंदर स्टूडेंट से पूछा क्या पूछा कि अपना वेट बताएं एंड हाइट बताएं उन्होंने अपना वेट हाइट बताई और फिर हमने ये डेटा कलेक्ट करके राइट डाउन कर लिया स्प्रेडशीट में नहीं किया लेकिन वैसे हमने पेपर पे राइट डाउन कर लिया ये जो सारे क्वेश्चन है ना ये होते हैं डेटा कलेक्शन के क्वेश्चन और इन चीजों को बोला जाता है मेटा डेटा यानी कि ऐसा डेटा जो डेटा से भी पहले आपके पास होता है यानी कि डेटा कहां से आया किसने किसने कलेक्ट किया कब कलेक्ट किया क्यों कलेक्ट किया वो सारे क्वेश्चंस के आंसर्स को बोलते हैं मेटा डेटा अब दूसरी चीज जब आप डेटा के ऊपर कोई स्टडी करने बैठते हैं इसको एक्सप्लोर करते हैं और डब्ल्यू एच क्वेश्चन पूछते हैं कि पहले का दूसरे के साथ क्या लिंक है दूसरे का पहले पैरामीटर या वेरिएबल के साथ या कॉलम के साथ क्या लिंक है इन चीजों को हम बोलते हैं डेटा एक्सप्लोरेशन और ये डेटा एक्सप्लोरेशन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है व्हेन यू आर डीलिंग विद डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स ठीक है यहां तक आपको क्लियर आ गया डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स क्या होगी जब आप डेटा को उसके बारे में सारी चीजें एक्सप्लोर करते हैं कि डेटा डेटा में है क्या कौन कौन से कॉलम हैं और कौन कौन सी चीजें उसके अंदर शामिल है ओके नाउ वी विल सी इंफ्लुंशियल स्टेटिस्टिक्स क्या होती है इन्फ्रुएंशियल स्टेटिस्टिक्स इंफ्लुएंस जनरेट करने का नाम है ठीक है अब इसमें होता क्या है आप डेटा की बेस पे क्या करते हैं प्रडिक्शंस जनरेट करते हैं प्रडिक्शंस ये जो प्रोडिक्शन होती हैं प्रीवियस डेटा पे एनालाइज करके उससे जो प्रोडिक्शन लेके आते हैं ठीक है वो क्या करता है वो सैंपल की बेस पे आप असल में एक पूरी पापुलेशन का बता रहे हैं मिसाल के तौर पे, मैं यहाँ पे बहुत अच्छी मिसाल देने वाला हूँ आपको समझ आ जाएगी आप क्या करते हैं आपसे कोई पूछता है कि जनाब आपके दुनिया के अंदर पाकिस्तान एक कंट्री है आप उसी में रहते हैं तो आप मुझे बताएंगे कि पाकिस्तान की पॉपुलेशन का साइज जो है हाइट फॉर एग्जाम्पल वो क्या है हाइट जो है एवरेज हाइट कितनी है ठीक है आप क्या करते हैं आपने घर वाले पांच भाइयों की हाइट माप लेते हैं पांचों की हाइट जो है उनका एवरेज आता है पांच फीट तीन इंच और आप अगर इसकी बेस पे यह कह दें कि पूरी पॉपुलेशन की जो एवरेज हाइट है वो पांच फीट तीन इंच है दिस इज कॉल्ड इंफ्लुएंशियल स्टेटस्टिक्स इंफ्रुएंस जनरेट करना ठीक है सैंपल की बेस पे पॉपुलेशन से इन्फ्रेंस लगाना सही है और ये जो आपने सैंपल लिया है इस सैंपल का जो आपने मीन निकाला है इसको बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स ठीक है, है? यानी कि जो डेटा आपके पास आया पांच लोगों का उसका मीन लिया एवरेज ली मीडियम लिया वट यू डिड उसको बोलेंगे उसको हम क्या बोलेंगे डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स लेकिन जैसे ही आपने उसकी बेस पे पूरी पॉपुलेशन उसको फाइनलाइज बताया इसको बोलते हैं कि ये हमने इंफ्लुएंस जनरेट किया उसकी बेस पे ठीक है सो इंफ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स इज बेसिकली मेकिंग प्रडिक्शन और इंफ्लुएंस अबाउट सम पॉपुलेशन अब होता क्या है मशीन लर्निंग के अंदर इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स यूज होती है ज्यादातर लेकिन इसकी एडवांस फॉर्म यूज होती है सेम यही यूज नहीं होती ठीक है और इसमें क्या होता है आपके पास हाइपोथेसिस टेस्टिंग आती है हाइपोथेसिस टेस्टिंग होती है इसमें यानी कि आप हाइपोथेसिस बनाते हैं हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं कॉन्फिडेंस इंटरवल को डील करते, करते हैं और इसी के अंदर आप रिग्रेशन एनालिसिस या मशीन लर्निंग की डिफरेंट टाइप्स जो है उनको डील करते हैं ठीक है सो इन्फ्रेंशियल स्टेटिस्टिक्स ये होती है और हमारी डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स क्या है सो so, ज़्यादातर और इन्फ्रेंशियल आप क्या करते हैं अब इसकी मिसाल मैं आपको देता हूं इसकी मिसाल यह है कि मेरी है एक बहुत बड़ी प्रेजेंटेशन इसकी मिसाल यह है इंफ्रशियल की मैं आपको बताता हूं मेरी एक प्रेजेंटेशन है और वो मैंने प्रेजेंट करनी है एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस के अंदर जो यूएसए में है ठीक है मैं उस प्रेजेंटेशन को करता हूं तैयार पी बना के मैं करता हूं कोई से पांच दोस्तों को इनवाइट करता हूँ फाइव फ्रेंड्स और उनके सामने मैं प्रेजेंट करता हूँ ठीक है प्रेजेंट करने के बाद मैं उनको बोलता हूँ कि यार मुझे ना फीडबैक दो वो मुझे फीडबैक देते हैं और पांचों के पांचों जो हैं वो ये कहते हैं कि यार तुम्हारी जो पांच में से नंबर अगर हम देना तो फोर पॉइंट फाइव हैं मतलब इतनी अच्छी तुमने प्रेजेंटेशन दी है अब इसकी बेस पे इस एक चीज की बेस पे अगर मैं अंदाज़ा लगाऊं और कहूं कि जब मैं यूएसए में जाके प्रेजेंट करूंगा तो मैं फोर पॉइंट फाइव फाइव यानी कि इस रेटिंग में अपनी प्रेजेंटेशन दे सकता हूं दिस रेड साइन इज कॉल्ड इंफ्रेंस और इसको इंफ्रेंशियल स्टेटिस्टिक्स के अंदर काउंट किया जाता है ठीक है और ये जो मैंने पांच लोगों का 4.5 बताया जारी बात है किसी ने 5 दी है किसी ने 4.9 दिया है किसी ने 4.8 दिया है किसी ने 4.6 दिया होगा एंड एक ने दिया होगा फोर पॉइंट नाइन फाइव तो इनकी अगर एवरेज ली जाए डिवाइडेड बाई फाइव तो ये मैंने एवरेज लिया है इस एवरेज को और इस डेटा को एक्सप्लोर करने को डिस्क्रिप्टिव बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स ये दो मेजर टाइप्स हैं इनकी अगर आपको समझ आ गई यू कैन एक्चुअली मेक अ बिग एग्जाम्पल्स अकॉर्डिंग टू योर डेटा और डेटा जितना भी आपके पास होगा आप उसकी बेस पे अच्छा खासा अंदाज़ा लगा के जनरलाइज कर सकते हैं इसका मतलब यही होता है कि एक एक्सपेरिमेंट की बेस पे चीज़ों को जनरलाइज कर लेना यानी कि मैं डिस्क्रिप्टिव स्टेटस्टिक्स लगाई इस पर उसका जो मेरा आंसर आया इसकी बेस पे मैं इसको जनरलाइज कर लेता हूँ कि यू में भी ऐसा ही होगा सो दिस काइंड ऑफ एग्जाम्पल्स हेल्प अस अ लॉट और कहाँ कहाँ पे ये यूज़ होती हैं रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन स्टेटिस्टिक्स की बहुत ज़्यादा है लेकिन आपको मैंने दो बता दिए डिस्क्रिप्टिव एंड इंफ्रेंशियल इसके अलावा भी और बड़ी टाइप्स होती हैं डिस्क्रिप्टिव एंड इंफ्रेंशल के अलावा जो बेसिकली सब टाइप्स हैं जिसको एक जो होती है उसको कहते हैं पैरामेट्रिक मेट्रिक स्टेटिस्टिक्स और एक होती है नॉन पैरामेट्रिक मैट्रिक बी इज नॉन पैरामेट्रिक ठीक है पैरामेट्रिक क्या होती है वो जब हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा सेट पढ़ेंगे ईडीए करेंगे डिस्क्रिप्टिव पढ़ेंगे तब मैं आपको समझाऊंगा कि इन दोनों का कहाँ पे फर्क आता है बट जो मेन मेजर टाइप है डिस्क्रिप्टिव एंड इन्फ्लुएंशियल स्टेटिस्टिक्स है यहां पे आपको क्लियर हो गया होगा अब मैं आपको बताता हूं कि स्टैटिस्टिक्स होती कहां कहां पे यूज है और क्यों इसको समझना बहुत जरूरी है आप में से काफी लोग होंगे जो ये कहते होंगे कि नहीं यार हमने क्यों पढ़नी है स्टैटिस्टिक्स भाई डेटा साइंस के अंदर आना तो है तो स्टैटिस्टिक्स मस्ट है जिन्होंने नहीं स्टैटिस्टिक्स पढ़नी वो डेटा साइंस छोड़ दें या वो ऐसा ही पढ़ेंगे बस आता है जी डेटा साइंस फ्लाम बदने से पढ़ लिया तो थोड़ा बहुत कर लेता हूँ ये थोड़ा बहुत वाला काम नहीं है यू नीड टू लर्न इट एफिशेंटली अगर आप एफिशियंटली और फास्ट पेस पे और अच्छे तरीके से लर्न नहीं करते तो आपके लिए प्रॉब्लम का सबब बन सकती है